हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो संडे स्टोरी टाइम का सेकंड एपिसोड का टाइम आ चुका है। आज मैंने बहुत ही सेल्फ केयर, सेल्फ लव, पैम्पर मी वाला एपिसोड किया और मैंने किताबें दोबारा पढ़नी शुरू की। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने इंसिस्ट किया था कि मैं फिल्म प्रोड्यूसर कैसे बनी या डायरेक्टर कैसे बनी या मैं बॉलीवुड के जाने माने पुराने जमाने के सुपरस्टार विश्वजीत सर से कैसे मिली। तो मेरा एक पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो हुआ करता था ओशीवारा में, और जो शुरू तो मेरे भाई ने किया था, पर उसको चलाने उसके बस की बात नहीं थी, तो मुझे वो मम्मी ने कमान दे दी कि तुम संभालो। तो वहाँ पे नेताजी नाम का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पे एक सीरीज का पोस्ट प्रोडक्शन होता था, यानी कि एडिटिंग, जो बंगाली में थी और उसके प्रोड्यूसर थे विश्वजीत सर। तो जब मैं ऑफिस में जाया करती थी, क्योंकि उन दिनों मेरी बेटी भी छोटी बेबी थी, तो जाती थी, थोड़ी देर बैठती थी, देखती थी, फिर घर चली जाती थी, इस तरह से। तो जब मैं आफ्टरनून में वहाँ होती थी, उस समय तक मेरा बेटा स्कूल से घर आ जाता था, तो मैं आराम से जा सकती थी। तो जब विश्वजीत सर को पता चलता कि मैं हूँ, तो वो मुझसे आते मिलने मेरे कैबिन में और चाय कॉफ़ी पे गपशप लगाते। उनका ऑरा ही ऐसा था ना भाई, आपको ना ऑरा से पता चल जाता है कि सुपरस्टार क्या चीज़ होती है, सच कह रही हूँ। तो वो पूछते रहते थे, तो उन्हें लगा अरे इसने छोटी सी उम्र में इसने ये किया वो, तो उन्होंने कहा तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस ऑफिस में बैठ के। उन्होंने कहा क्यों सर, अच्छी नहीं लगती क्या, शांति से हो? उन्होंने कहा नहीं, यू आर अ वेरी डायनामिक वुमेन और तुम्हें फिल्म प्रोड्यूस करनी चाहिए। मैंने कहा फिल्म, बापरे, इतना झंझट मेरे से नहीं होगा। दोबारा वो उसको जैसे पॉलिश करते हैं ना, इंसिस्ट परसिस्ट करते गए, मुझे मेरे अंदर उन्होंने वो कॉन्फिडेंस डाला कि तुम वाकई में बहुत डायनेमिक हो, बहुत ब्रिलियंट लड़की हो। तो मैं उनकी बातों में आ गई। अब जो विश्वजीत के जमाने के लोग हैं ना, उनसे पूछिए कि वो विश्वजीत जी की फिल्में देख के ही कितने प्यार में पड़ जाते होंगे या कितने उनकी बातों में आ जाते होंगे। तो ऐसी मेरी बहुत साल भर जब तक उनका सीरियल एडिट होता उनसे मुलाकातें हुई और कीड़ा काट लिया मुझे फिल्म प्रोड्यूसर बनने का। और चूंकि मेरे हस्बैंड भी एक्टिंग ही कर रहे थे, मॉडलिंग भी कर रहे थे, तो उनको साइन करने के लिए साउथ प्रोड्यूसर के साथ अनंत महादेवन जी आए थे, तो मेरे दिमाग में कोई टॉपिक चल रहा था। मैंने कहा ये तुम कह रही, यू आर सिटिंग ऑन अ पोटेंशियल डायनामाइट फिल्म, क्या कर रही हो, बनाओ, मतलब और चाबी भर दी गई। और इस तरह से मैं 2003 में, 2002 में हमने लिखनी शुरू की। विख्यात राइटर सुजीत सेन के साथ वो स्क्रिप्ट थी कगार, लिविंग ऑन द एज, मेरी पहली फीचर फिल्म। और 2003 में मैं प्रोड्यूसर बनी, फिल्म प्रोड्यूसर। तो ये है मेरी फिल्म प्रोड्यूसर बनने की कहानी। कहानी से याद आया, मुझे बचपन से ना बहुत ही कहानी का इतना जुनून, या तो कहानियां किताबें पढ़ती थी या अपनी आंटी जिनको मैं ताई बोलती थी सुनती रहती थी। कहानी, मेरा कहानी का चस्का खत्म ही नहीं होता था। और मेरी मम्मी जो है वो मुझे हमेशा डांटती थी, इतना कहानी कहानी मत कर, तेरी लाइफ की कहानी हो जाएगी, मंदिर मत जा, दुखी हो जाएगी। मतलब उनका एक अलग रिबेल था, क्योंकि वो एक शहीद की बेटी है और उनका बचपन कितना मुश्किल रहा होगा और कितने सवाल उनके भी होंगे, मैं समझ सकती हूँ। आज मैं भी एक माँ हूँ, तो लेकिन मुझे मेरी मम्मी पे तो बहुत प्राउड था। तो मुझे लगता है वो जो बचपन का कहानियों का चस्का था ना, उसी ने मुझे स्टोरी टेलर बनाया। और स्टोरी टेलिंग ही देखती हूँ मैं हर चीज़ में और हर चीज़ को बोलती हूँ। मेरे बहुत से दोस्त बोलते हैं छोटी सी बात भी तू ऐसे बोलती है लेकिन इंटरेस्टिंग लगती है, मैं कुछ खाती भी हूँ तो मतलब यू नो द वे आई फील इट, क्योंकि शायद मैं 100% होती हूँ वहाँ पे। ये कौन छींका, ये पीस छींक रही है, पीस तुम क्यों छींक रहे हो? तो यही था मेरा वो फिल्म प्रोड्यूसर बनने वाला किस्सा, और मैं कैसे विश्वजीत जी से मिली और कितना समय, मोर देन 6 मंथ्स मैंने उनके साथ बिताया हमारे पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो में, मेरे ऑफिस में। लकी हूं मैं, ऐसे बहुत से किस्से आपको सुनाऊंगी, बॉलीवुड के भी और अपने भी। कल मेरे साथ एक किस्सा हो गया कि मेरा वो जो पार्सल आया था नेचर्स बास्केट से, नेचर्स बास्केट बना या वो बिल्डिंग बनी, तब से मैं इसी एरिया में रहती हूँ। तो जिस वक्त वो बंदा आया, उसने, उन लोगों ने कोई टाइम नहीं दिया था, सेम डे डिलीवरी वाला था, यूजुअली टाइम होता है। तो मैं पीस को नहला रही थी,
ऑब्वियसली मैं जा नहीं सकती थी बाहर, मुझे घंटी भी नहीं सुनाई दी, मोबाइल कैसे देखती। उसके बाद मेस क्रिएट हो जाता है, आधा घंटा पौना घंटा उसको ड्राई करती रही, तब तक तो कोई घंटी नहीं थी। उसके बाद मैं खुद बाथरूम वगैरह साफ करके मशीन लगा के नहाने चली गई और वो फिर से आया बंदा। ऑब्वियसली फिर से मोबाइल मेरे पास में नहीं था, मैं मोबाइल हाथ में लेके तो नहा नहीं सकता कोई। तो मैं जब बाहर आई मैंने देखा कि आपका पार्सल था और उसमें नंबर लिखा था डिलीवरी वाले का। चिड़िया चहचहा रही है इस वक्त मेरी खिड़की पे। मैं मुंबई शहर के इतने क्राउडेड एरिया में रह के भी देखिए एनवायरनमेंट मैंने मेंटेन किया है। तो कहानी पे आते, वो बंदा अचानक से इतनी रूडली चिल्लाया मेरे ऊपर और मुझे आदत नहीं है, और मैंने 48 आवर्स का फास्ट किया था जो कल खोला नहीं था उस समय तक। रात में मैंने सोचा रात में फील होगा तो करेंगे, या तो स्ट्रेच कर देंगे 72 आवर्स में। बिकॉज आई वॉज अनअवेयर, मैं अवेयर नहीं थी कि इस तरह से कोई रिस्पॉन्ड करेगा मेरे पे। तो मेरे यहाँ इतना दर्द शुरू हो गया, और आजकल कुछ भी ऐसा होता है ना सडन तुम प्रेशर में आ जाती हो, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ बहुत, तो नाजुक हो जाते हैं आप, है ना। इसीलिए मैं आज गई ब्यूटी पार्लर, ये देखिए मेरे नाखून नेल्स किए, वहाँ मैंने ऑयल किया, ऑयल अपना लेके गई थी हेयर री ग्रोथ वाला, मेरे मेन चैनल में जाके देखिए, और ऑयल मसाज करवाया, स्टीम करवाया और अच्छे से नॉर्मली ड्राई करवाया और आ गई मैं घर। तो ये शुरुआत है मेरे फिल्म प्रोड्यूसर बनने की। अगली स्टोरी में देखते क्या मैं कहती, हाँ मैं आई कैसे इस लाइन में फिल्म की, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आई होप आपको स्टोरी टाइम ये अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं जिस शहर से आती हूँ बहुत छोटा सा था, तब 1.5 लाख की आबादी थी, और फिर मैं चली गई थी मेडिकल पढ़ने। उसके बाद मैं मुंबई आई पोस्ट ग्रेजुएशन करने और वापस ही नहीं गई कभी, और कहाँ अटपकी फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर भी बनी। सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग था, सपने देखना मत छोड़िए चाहे जैसे भी हो, और अरे बड़े वाले देखिए, क्योंकि मज़ा मंजिल में नहीं होता, मज़ा सफ़र का लेना चाहिए, और यही वो सफ़र है रोने से सांस लेने से अंत तक। इट डजेंट मैटर आप जीतते हैं हारते हैं, सफ़र मज़ेदार होना चाहिए। इसी के साथ आज का स्टोरी टाइम यही समाप्त करती हूँ, और अगले संडे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हर सांस में हर बात में ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, आप जिंदा है तो कोई पर्पस है, भरपूर स्वाद लीजिए, मज़ा लीजिए, एक बैलेंस मेंटेन कीजिए। और प्लीज़ अगर किताबें पढ़ना छोड़ दिया है या न्यूज़पेपर मत पढ़िए, उसमें बहुत स्ट्रेस होता है, किताबें पढ़ना शुरू कीजिए अच्छी अच्छी। मैं शुक्रगुजार हूँ उस ईश्वर की, जब मैं बच्ची थी ना तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई टेलीविजन नहीं था, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। किताबें मंदिर रामायण, हाँ वो भी देखने जाती थी मैं मंदिर में, पम्मी तुम आके बताना उसको क्या बोलते हैं रामायण, वो जो हम देखते थे रामलीला, हाँ मंदिर में होती थी वो देखने जाते थे, वो सारे लड़कियां बनी होती थी, तो वो ओहो व्हाट अ लाइफ आई हैड, वंडरफुल लाइफ। अपने बच्चों को वैसी ही लाइफ दीजिए, धरती से जोड़ कर रखिए, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, नहीं तो मेरा तो स्टोरी टाइम वेब सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव योर सेल्फ, लव योर लाइफ, लव एवरीथिंग इन योर लाइफ।